This conference will now be recorded. नेक्स्ट क्वेश्चन है ये जी, लिखा हुआ वंडर लिमिटेड इज एंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल ऑफ टेक्सटाइल मशीनरी। फॉलोइंग आर द ड्राफ्ट एक्सट्रैक्ट ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 2015। आपको स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में पीपीई दे दिया गया, रिटेन अर्निंग भी है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी है। इस तरह का सवाल हम पहले भी कर चुके हैं कल, अभी करेंगे तो थोड़ा और ज्यादा अच्छा समझ लगेगा। फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन हैज नॉट बिन टेकन इनटू अकाउंट इन द प्रिपरेशन ऑफ द अबव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब ये जो ऊपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनी हुई है, नीचे वाली चीजों को इग्नोर, मतलब तब नहीं पता था कि ऐसा कुछ हुआ है। पहली चीज है कॉस्ट ऑफ रिपेयर अमाउंटिंग टू ₹20 मिलियन वाज एरोनियसली डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट ऑन 1 अक्टूबर 2013। द एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ द मशीन इज 10 ईयर्स। अच्छा मुझे बताया, चीजें तीन, एस्टिमेट है, एरर्स हैं और अकाउंटिंग पॉलिसी है। मुझे बताएं कि फर्स्ट पॉइंट में इन तीनों में से कौन सी चीज है, एरर है या एस्टिमेट है या अकाउंटिंग पॉलिसी। रिपेयर को हमने मशीनरी डेबिट कर दी तो ये सीधा सीधा एरर है। कॉस्ट ऑफ रिपेयर वाज एरोनियसली डेबिटेड, एरोनियसली का गलती से, तो ये एरर है। दूसरे पॉइंट पे आए, ऑन 1 जुलाई 2014 WOL रिव्यूड द एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ इट्स प्लांट एंड रिवाइज इट फ्रॉम 5 ईयर्स टू 8 ईयर्स। कहते हैं 1 जुलाई 2014 को प्लान किया एसेट की लाइफ रिवाइज करने का, फ्रॉम 5 ईयर्स टू 8 ईयर्स, मतलब 5 साल से 8 साल। The plant was purchased on 1 जुलाई 2013 at a cost of ₹70 million। और ये क्या है, एरर पॉलिसी या एस्टिमेट? जी जनाब, साफ सुथरा लिखा हुआ है एस्टिमेट है। और मैंने एस्टिमेट्स की कुछ बातें बताई थी, और हमेशा एस्टिमेट वही होता है, उसी में से ही आता। डन। अब जरा गौर फरमाएं बात पे, जो एरर होगा वो जिस जिस साल पे अफेक्ट करेगा सारे सालों को रीस्टेट करेंगे, बट चेंज इन एस्टिमेशन जिस साल वो एस्टिमेट चेंज किया उस साल और फ्यूचर पिछले साल पे उसका कोई इफेक्ट नहीं ले जाना। रिट्रोस्पेक्टिवली वो नहीं होता, प्रोस्पेक्टिवली होता। ओके होगी बात। अब जरा गौर फरमाएं, उसने कहा रेलिवेंट एक्सट्रैक्ट बनाए, मतलब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को भी सही करना है, रिटेन अर्निंग इक्विटी का भी सही करना है, और प्रॉफिट फॉर द ईयर भी ठीक करना। गॉट इट? अब चाहे आप एक ही पेज के ऊपर सारे, यानी 3 पेज के ऊपर एक्सट्रैक्ट का फॉर्मेट बना लें, जैसे जैसे वर्किंग करते जाएंगे वैसे वैसे उसमें पोस्ट करते जाएंगे। गॉट इट? चले जनाब, बिस्मिल्ला करते हैं। एक सेकेंड बस। तो सबसे पहले आप प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को हम देखते हैं। जी जनाब, एक्सट्रैक्ट बना लेते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का। नाम क्या है? WL। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। है दैट 31 दिसंबर है, 31 30 जून है,
जून 2015। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ओके होगी बात जी जनाब। हम दोनों साल लिखेंगे, 2015 भी लिखेंगे, 2014 भी लिखेंगे, बट 2014 के साथ हम लिख देंगे रीस्टेटेड। फिर फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर रिटेन अर्निंग भी आता है। एक बात याद रखनी है, रिटेन अर्निंग आप हमेशा इसके एक्सट्रैक्ट वाले बैलेंस शीट उठाकर लाना, आसानी हो जाएगी आपके लिए, ठीक है। यहां पर आप बाद में लिखना, जब भी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का एक्सट्रैक्ट आए तो रिटेन अर्निंग का एक्सट्रैक्ट बनाने के बाद वहां से जो बैलेंस होंगे ना वो लिख लेंगे यहाँ, ठीक है। दूसरा उसने एक्सट्रैक्ट जो पूछा है, ये सोल्यूशन को थोड़ा साफ सुथरा रखते हैं, वो है रिटेन अर्निंग या स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी का। फॉर्मेट अभी लिख लेते हैं, फिर वर्किंग करते हुए सारी चीजें हम वहां पर पुट करते जाएंगे। डब्ल्यू एल स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, क्योंकि हमने सिर्फ इसका एक्सट्रैक्ट बनाना है और वो भी सिर्फ रिटेन अर्निंग कॉलम का। फॉर द ईयर एंडेड 30th June 2015, आपको याद होगा हम कहां से स्टार्ट करते हैं, पिछले साल के ओपनिंग से। अगर अवेलेबल हो ना तो हम स्टार्ट करेंगे बैलेंस एट 1/7/2013, पिछला साल का ईयर एंड 30th June 2014 होगा और उस साल का स्टार्ट क्या होगा 1/7/2013, गॉट इट। अब हम अपने बेस्ट का क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं। रिटेन अर्निंग के लेजर से करना होता है हमेशा, रिटेन अर्निंग से, ये रिटेन अर्निंग ही लिख लें, कॉलम का नाम भी लिख लें जी। अब अपने सवाल में देखते हैं, हमारे पास रिटेन अर्निंग का प्रॉफिट गिवन है 2014 के एंड का 108 और 78 गिवन है उसका प्रॉफिट फॉर द ईयर, मतलब 30th June 2014 का प्रॉफिट 108 और 2014 का पूरा प्रॉफिट हमारे पास गिवन है 78। क्या आप में से कोई बंदा बता सकता है कि साल के शुरू में कितना प्रॉफिट होगा? ये रिटेन अर्निंग का या लेजर बना लिया करो या प्लस माइनस कर लिया करो, क्या करेंगे? यहां पर ब्रॉडाउन होता है वो गिवन नहीं है, पैट हमारे पास 78 है, कैरिड ऑन 108 है, तो ब्रॉडाउन कितना आ जाएगा जी जनाब? ओके की बात, सारे लोग 30 की अमाउंट बता रहे हैं तो जनाब 30 ही आएगा। अच्छा ये तो प्रॉफिट आया ना, फिर हम देखेंगे क्वेश्चन के अंदर क्या इस प्रॉफिट के ऊपर कोई इंपैक्ट तो नहीं आया हुआ। वो इंपैक्ट कौन सा होता है? उससे भी प्रीवियस इयर्स के, उससे भी प्रीवियस इयर्स के। अब जरा गौर फरमाएं, मसले हुए हैं सिर्फ दो, जरा ध्यान से बात सुननी है। कॉस्ट ऑफ रिपेयर 20 मिलियन में गलती हुई 1 अक्टूबर 2013 को, क्या इस गलती से 1/7/13 वाला प्रॉफिट अफेक्ट होगा या नहीं? इस एरर से जो 20 मिलियन एरर कर रहे हो,
क्या इस गलती से 1713 वाला प्रॉफिट रीस्टेट होगा या नहीं? जी जनाब, एक शख्स ने कहा कि होगा, दो शख्स ने और बाकी लोगों ने कहा कि नहीं। अब जिन लोगों ने कहा कि होगा, देखें, 1713 मतलब 30 जून 2013 की बात है, ठीक है? तब प्रॉफिट था 30 मिलियन। एक गलती हुई 1013 को, तो इस गलती की वजह से क्या ये प्रॉफिट जो पिछले साल था, क्या ये भी चेंज हुआ होगा, या इस गलती का इफेक्ट इसके ऊपर भी आया होगा? तो आंसर इज नो। प्रैक्टिकली सोचें यार, आप वो ना देखेंगे जी, एरर के इफेक्ट्स हम रिट्रोस्पेक्टिवली ठीक करते हैं, लेकिन एरर का इफेक्ट हो भी सही, ये नहीं कि जिस जगह पर एरर का इफेक्ट आया भी नहीं है हम उसको भी ठीक करने बैठ जाएं, ठीक है? तो ये जो बैलेंस है 30 का, ये हो गया रीस्टेट। क्यों? क्योंकि हमने ये सोच लिया, बल्कि सोचा क्या, गिवन है कि बाकी जो दो ट्रांजैक्शन गिवन है ना सवाल के अंदर, उन दोनों का इफेक्ट इस 30 मिलियन पे नहीं आया। अगर आया होता तो मैं जरूर इसको ठीक करता, एस्टिमेट्स का तो वैसे नहीं आता। डन, आगे चलें फिर। नेक्स्ट, आपको पता है रिटेन अर्निंग में, रिटेन अर्निंग के अंदर हम सिर्फ ब्रॉड ऑन ठीक करते हैं पिछले साल का, फिर उसके बाद हर साल का प्रॉफिट ठीक करते हैं। तो इसमें हम ऐड कर देंगे प्रॉफिट फॉर द ईयर ठीक करके, और वो भी कौन सा होगा, रिस्टेटेड। आ जाओ जरा, प्रॉफिट ठीक कर लेते हैं। प्रॉफिट है 78, 2014 का प्रॉफिट है 78। डन। अब बात हो रही है किस साल की, 2014 के एंड तक, मतलब मैं यहां पर टाइम लिख देता हूं, 1713 से 30 जून 2014 तक की बात हो रही है। अब देखें इस गलतियों से क्या हुआ होगा। एक रिपेयर की कॉस्ट है, एक रिपेयर की कॉस्ट है, वो हमने कैपिटलाइज कर दी, मतलब मशीन में ऐड कर दी, मशीन में ऐड कर दी, हालांकि लिखना एक्सपेंस था। इस वजह से क्या क्या हो चुका होगा, अब जरा गौर फरमाएं। अगर मैं यहां पर सारी चीजें लिखूं, मैंने गलती से 20 मिलियन प्लांट एंड पीपीई में लिख दिया, इसका मतलब ये हुआ कि जब मैंने इसको पीपीई में लिखा तो इसको डेप्रिशिएट भी किया होगा, इसको डेप्रिशिएट भी किया होगा। अब मैं आपको ना कल से भी ज्यादा आसान तरीका बताने लगा हूं, 2014 के एंड पे क्या हो चुका होगा और 2015 के एंड पे क्या हो चुका होगा, जरा ध्यान से आप देखना है। मैंने इसकी पहले 9 मंथ की डेप्रिसिएशन ली होगी, टाइम कितना है, लाइफ कितनी है, 10 साल, लाइफ कितनी है, 10 साल। मैंने इसको 10 पे डिवाइड किया होगा, मल्टीप्लाई किया होगा 9/12 से, इसकी डेप्रिसिएशन कितनी आई, 10/2 × 9/12, 1.5। और अगर आप लोग कंप्लीट करें तो 20 − 1.5 करके भी बता दें, 20 − 1.5 18.5। अब बात खत्म करने लगा हूं मैं, 2014 के अंदर मतलब 13 और 14 के दरमियान 20 मिलियन के रिपेयर एक्सपेंस लिखने थे, वो नहीं लिखे, बल्कि उसको एसेट की कॉस्ट में ऐड कर दिया।
तो उसके अंदर एक तो रिपेयर एक्सपेंस लिख देंगे और जो उसने मशीन की डेप्रिसिएशन ले ली होगी, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो नहीं लेनी थी, वो मैं वापस एड बैक कर दूंगा। प्रॉफिट था मेरा 78, रिपेयर मैंने मशीन में लिख दिया एक्सपेंस में लिखने की बजाय, तो अब मैं एक्सपेंस में लिखूंगा, प्रॉफिट मेरा कम हो जाएगा गलती सही करने पर। तो गलती सही करने पर मैंने उसकी डेप्रिसिएशन भी तो चार्ज की होगी 9 मंथ की, तो वो तो रिपेयर था तो डेप्रिसिएशन तो आनी नहीं थी, वो मैंने रिवर्स कर दी। गॉट इट? अब इसको मैं करूंगा, ये मेरा प्रॉफिट ठीक हो जाएगा। कितना प्रॉफिट ठीक हो गया जनाब? 2014 में 59.6, 59.5। अब आप मुझे बताएं, ये अमाउंट 18.5 एसेट में तो ऐड हो चुकी होगी, 2014 के जो एसेट्स पड़े होंगे उसमें तो ये ऐड हुई पड़ी होगी, क्योंकि आपने तो रिपेयर आपने एसेट में ऐड किया हुआ है। बताएं जरा, और बुक वैल्यू पे लिखते हैं ना, तो हमने भी उसकी बुक वैल्यू फाइंड कर ली। तो ये 18.5 हम जाकर एसेट की वैल्यू से भी माइनस कर देंगे, पीपीई की वैल्यू से 18.5 माइनस कर देंगे, और प्रॉफिट के अंदर हम एडजस्टमेंट कर चुके हैं, तो प्रॉफिट को तो लिखेंगे रिटेन अर्निंग में। चलें जनाब, काम हो गया, अगर आपको समझ लग गई तो 59.5, ओके। और यहां पर 2014 का जो पीपीई लिखेंगे, यहां पर ऊपर ही मैं वर्किंग कर देता हूं, आपने वर्किंग में ही करना ये सारा। कितना था पीपीई नॉर्मल? 130 में से मैं 18.5 माइनस कर दूंगा जो उसने गलती से ऐड किया हुआ। जी जनाब, 130 से 18.5 माइनस कर दूंगा, कितनी अमाउंट आ जाएगी? 130 माइनस 18.5, 111.5। लो जनाब, और रिटेन अर्निंग का बैलेंस भी मैं फाइंड कर चुका हूं। अभी बता देता हूं मैं, यहां पर आ जाओ जरा, मेरे पास ये बैलेंस आ गया, बैलेंस एट 30th June 2014, 30 plus 59.5, 89.5। तो जनाब ये 89.5 इधर ही वही अमाउंट आएगी, क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस मैंने जून का लिखना है और करेक्ट लिखना है। ओके की बात, हाँ जी, ये बात क्लियर है या कोई मसला है इसमें? अब जरा अगले साल पे चलो, जी जनाब, जरा गौर फरमाएं, अगले साल पे, क्योंकि हमें 2015 के एंड पे पता चला है ये सब कुछ, क्या जो ये अमाउंट है 20 डिवाइडेड बाय 10, अगले साल 2 की डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड हो चुकी होगी? क्योंकि जो आपने 20 मिलियन रिपेयर एसेट में ऐड किया गलती से, आज हम खड़े हैं 30th जून 2015 पे, तो ये जो 2 मिलियन की डेप्रिसिएशन है ये अगले साल भी आई होगी। पिछले साल तो 9 मंथ का आया होगा, अगले साल पूरे साल की डेप्रिसिएशन आई होगी। गॉट इट? और साथ ही 20 माइनस 3.5, ये 20 कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, कॉस्ट माइनस accumulated depreciation, तो कितनी वैल्यू आ रही है? ये 16.5 हमारे एसेट में भी पड़ा होगा, क्योंकि एरर तो हमने ठीक नहीं किया हुआ ना, बाकी जो ऊपर वाली अमाउंट हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है ना, वो एरर और
चेंज इन एस्टिमेशन के साथ मौजूद है, हमने वो इफेक्ट ठीक कर ले। तो बात समझ लगी ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने इस एरर की वजह से 2015 के एसेट कम करने हैं और 2 मिलियन की जो डेप्रिसिएशन है वो भी वापस एड बैक करनी है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, 2015 का हमें प्रॉफिट गिवन है 90 मिलियन। अभी मैं सिर्फ इस एरर की बात कर रहा हूं। 90 मिलियन में 2 की डेप्रिसिएशन हम वापस एड बैक कर देंगे, क्योंकि रिपेयर एक्सपेंस हमारा प्लांट एंड मशीनरी नहीं था, जो गलती से डेप्रिसिएशन चार्ज किया है वो एड बैक कर देंगे। और आपने मुझे ये बताना है जो 15 मिलियन की अमाउंट आ रही है, सॉरी 20 मिलियन की जो रिपेयर हमने गलती से पिछले साल ऐड किया था, क्या वो 2015 के प्रॉफिट को भी इफेक्ट करेगा या नहीं? बिल्कुल नहीं इफेक्ट करेगा। उसकी वजह, क्योंकि वो तो एक ही दफा एक्सपेंस में लिखना होता है, वो एक्सपेंस कैरी थोड़ा होता है। हाँ, एसेट में गलती हो जाए तो वो एंड तक गलती जाती है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर कोई चीज गलत लिख दो वो उसी साल को गलत करता है, बट एसेट में अगर कोई गलती आ जाए वो हर साल आगे जाती है, क्योंकि उसकी डेप्रिसिएशन जानी होती है। ये तो अभी हमने पिछले एरर को इफेक्ट किया, अभी काम खत्म नहीं हुआ। यहां पे अब आए, 1 जुलाई 2014 को WL ने रिव्यू किया एस्टिमेटेड लाइफ को साल के शुरू में। तो उसने कहा कि जनाब, उसने अपने एसेट की लाइफ को रिवाइज करना है, रिवाइज इट फ्रॉम 5 years to 8 years, 5 से 8 साल पे लेकर जाना। और उसने ऊपर लिखा हुआ है, इसको उसने अकाउंट फारी नहीं किया, उसने नॉर्मल तरीके से डेप्रिसिएशन ली और ऐड कर दी। अब हम क्या करेंगे? पहले चेक करेंगे कि उसने डेप्रिसिएशन कितनी ऐड की, फिर एस्टिमेशन चेंज करके लेंगे। तो आपने मुझे इसको पढ़ के 2 मिनट लगाएं, आपने सिर्फ इतना बताना है मुझे 2 मिनट के अंदर अंदर के पुरानी डेप्रिसिएशन कितनी है जो उसने चार्ज की हुई है, और नई डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज करनी चाहिए थी। डन। और साथ उसका फिर एसेट का इफेक्ट भी बताना है, वो बाद में डिस्कस करेंगे। पहले आप मुझे पुरानी और नई डेप्रिसिएशन फाइंड करके दें। 2 मिनट लगाएं, जल्दी करें।
जी जनाब, बहुत सारे लोगों की डेप्रिसिएशन जो ओल्ड है वो 14 आ रही है, न्यू 7 आ रही है, लेकिन मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। ओल्ड 14 आ रही है, न्यू 8 आ रही है, ये मुझे लगता है ठीक है। जी चेक कर लें फिर, अब गौर फरमाइएगा जरा। क्वेश्चन ये है, 1 जुलाई 2014, मतलब साल के शुरू में ही चेंज आ गया, साल के शुरू में ही ये चेंज इन एस्टिमेशन, तो आप लोगों का पक्का होना चाहिए यार। IAS 16 में इसको आपने रगड़ा हुआ है, 1713 को यहां पर चेक कीजिएगा, 1713 को एक एसेट आपने खरीदा 70 मिलियन, ये चेंज इन एस्टिमेशन है, तो पिछला साल चेंज नहीं करना हमने, ये बात याद रख ले, पिछला साल हमने चेंज नहीं करना, करंट ईयर एंड फॉरवर्ड। जी जनाब, 70 मिलियन का आपने एसेट खरीदा था, तब लाइफ क्या थी भला? 5 साल। कितनी लाइफ थी? 5 साल। तो हम क्या करेंगे, उसको 5 पे डिवाइड करेंगे तो 14 डेप्रिसिएशन पिछले साल की भी, और क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है, अगले साल भी उसने 14 ही डेप्रिसिएशन अप्लाई कर दी, पिछले साल भी 14, अगले साल भी 14, हालांकि अगले साल चेंज इन एस्टिमेशन आया था। अब चेंज इन एस्टिमेशन की तरीकाकार क्या है? सबसे पहले बुक वैल्यू फाइंड की जाती है, 70 माइनस 14, 56। ओके होगी बात। अब कहते हैं कि अगर लाइफ चेंज हो जाए तो नई लाइफ, और लाइफ चेंज ना हो तो रिमेनिंग लाइफ। उसने कहा कि लाइफ आपकी 5 नहीं होनी चाहिए थी, बल्कि 8 साल होनी चाहिए थी। ठीक है, अगर 8 साल लाइफ कर लो तो डिवाइड किस पे करेंगे? 7 पे। उसने ये रिमेनिंग लाइफ नहीं बताई थी, उसने बताया था कि 5 साल की बजाय लाइफ 8 साल होनी चाहिए थी। इसका मतलब है उस 8 साल में भी 1 साल तो गुजर चुका है ना, तो हमारी जो डेप्रिसिएशन आएगी ना वो 8 आएगी। ये सबसे बड़ी गलती की आपने, अगर आप गौर फरमाएं सवाल के ऊपर जाएं। उसने ये नहीं कहा कि चेंज इन एस्टिमेशन के बाद रिमेनिंग लाइफ, ना, उसने कहा लाइफ 5 नहीं 8 होनी चाहिए थी। तो जब चेंज इन एस्टिमेशन आया तो अगर लाइफ चलो 8 ही होनी चाहिए थी, लेकिन 1 साल तो फिर भी गुजर चुका है ना, तो इसलिए ये सवाल को ध्यान से देखा करें कि सवाल के अंदर वो रिमेनिंग लाइफ बता रहा है या सवाल के अंदर वो टोटल लाइफ बता रहा है। ठीक है, तो नई लाइफ उसने 8 ली है, लेकिन इन टोटल, रिमेनिंग न्यू लाइफ नहीं है, इन टोटल न्यू लाइफ है, तो 1 साल तो गुजर चुका है अगले साल, तो हम 7 पे डिवाइड करेंगे। ओके होगी बात। अब्दुल रहमान कह रहा है कि सर उसने कहा है कि 5 to 8 हुआ है, तो मेरे भाई 5 to 8 तो 5 कब थी? एस्टिमेट उसने कब लगाया था? जब एसेट उसने खरीदा था तब उसने कहा था 5 साल, लेकिन अब कहता नहीं 5 नहीं 8, तो इसका मतलब उस 5 को चेंज कर रहा है, रिमेनिंग लाइफ को चेंज नहीं कर रहा। तो पिछले साल 5 साल थी, वो कहता नहीं 5 नहीं 8 होनी चाहिए थी। तो ये एक थोड़ा सा इश्यू आ जाता है इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर। लो जनाब, तो अब उसने डेप्रिसिएशन 14 लिखी हुई है, हालांकि डेप्रिसिएशन होनी चाहिए थी 8। कितनी ज्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज की हुई है? 6 मिलियन से। एक बात प्रॉफिट को इफेक्ट करेगा, दूसरा आप मुझे यह भी बताएं कि उसने कौन सी वैल्यू एसेट में ऐड की होगी। अगर 6 से डेप्रिसिएशन उसने ज्यादा चार्ज किया है ना, इसका मतलब है 6 से उसने एसेट ज्यादा कम कर दिए होंगे, और डेप्रिसिएशन ज्यादा चार्ज करने से, डेप्रिसिएशन ज्यादा चार्ज करने से एसेट
कम हो जाते हैं। या दूसरे लफ्जों में आ जाओ, मैं बता देता हूं, उसने एसेट में ऐड किया होगा कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी अमाउंट आ रही है 42, और ओरिजिनली क्या करना था, न्यू कॉस्ट माइनस नई वैल्यू, ये कितना आ गया 48, वही 6 का डिफरेंस आ रहा है ना। उसने एसेट में 42 से लिखे हुए हैं एसेट्स नेट बुक वैल्यू, हालांकि एसेट में ऐड होना चाहिए था 48, या फिर वही 6 से डेप्रिसिएशन उसने ज्यादा चार्ज की तो प्रॉफिट में एड बैक कर देंगे, और ज्यादा डेप्रिसिएशन की वजह से उसने एसेट भी कम कर दिए होंगे, उसको भी रिवर्स कर देंगे। तो हमारा 2015 का काम हो गया ठीक, कि 90 में एक तो 2 प्लस करेंगे डेप्रिसिएशन वाला, रिपेयर वाला जो पिछले इफेक्ट है, और 6 भी ऐड कर देंगे जो उसने एक्सेस डेप्रिसिएशन चार्ज की थी। हमारा नया प्रॉफिट हो गया जनाब 98, करेक्टेड प्रॉफिट। एसेट को भी सही कर लें, एसेट पे भी आ जाओ जनाब। एसेट कितने के लिखे हुए हैं 2015 के, 189 के। 189 में उसने 16.5 अगले साल रिपेयर वाली अमाउंट शामिल है वो निकाल दी, क्योंकि रिपेयर वाला भी तो हर साल वो बुक वैल्यू से एसेट में लिखता ही रहा होगा ना, कि कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन करके। तो पिछले साल था 18.5, अगले साल मजीद 2 की डेप्रिसिएशन आई होगी तो 16.5, और डेप्रिसिएशन की वजह से जो उसने एसेट को ओवर डेप्रिसिएशन चार्ज की वो भी रिवर्स बैक कर दे। तो ये हमारे आ जाएंगे नए एसेट, और ये आ जाएगा हमारा नया प्रॉफिट। तो बताएं जरा नए एसेट की वैल्यू कितनी आ गई, 178.5। सवाल हमारा कंप्लीट हो गया जनाब, अब सिर्फ पोस्टिंग करनी है। आ जाओ जरा एसेट के अंदर एसेट लिख दो, एसेट के अंदर एसेट लिख दो, कितनी अमाउंट आई थी 178.5, 178.5, और प्रॉफिट को ठीक किया था हमने, ऐड करते होते हैं हम प्रॉफिट फॉर द ईयर, प्रॉफिट फॉर द ईयर हाँ जी करेक्टेड प्रॉफिट कितना है 98, बैलेंस एट 30th जून 15, 89.5 प्लस कर दो 187.5। लो जनाब ये हमारा है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, और ये जो बैलेंस आ गया 187.5 रिटेन अर्निंग के सामने, उसका क्लोजिंग बैलेंस लिखते होते हैं हमेशा, डन होगी बात। चलिए जनाब, उसके बाद उसने कहा ऑल रेलिवेंट एक्सपेंस, जूम आउट कर दें जी, कर देता हूं सिर्फ लास्ट लिखने दें, WOL स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसमें नेट प्रॉफिट जो सही प्रॉफिट निकालते हैं वही लिखना होता है। इंटरेस्टिंग बात, इसका कोई ओपनिंग क्लोजिंग नहीं होता। 2014 का जो सही प्रॉफिट किया था वो था 59.5, और जो 2015 का सही प्रॉफिट किया था वो था 98। गॉट इट? लो जनाब ये थोड़ा सा मैं जूम आउट कर देता हूँ ताकि आप अपना सवाल देख लें। ये ना क्योंकि चीजों का ना लिंक होता है एक से दूसरी साइड पे, इसलिए आप थोड़े से परेशान हो जाते हो, अदरवाइज ये सवाल आसान होते हैं। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेप्रिसिएशन भी तो आएगी,
बिल्कुल नहीं, हमने नेट प्रॉफिट को ही सही कर दिया ना, सारा इफेक्ट नेट करके लिख दिया। जब हमने नेट प्रॉफिट को ही ठीक कर दिया तो फिर तो जरूरत नहीं है ना बाकी चीजों को लिखने की, क्योंकि वो नेट प्रॉफिट में सारी चीजें एडजस्ट हो गई। हाँ, अगर वो ना करते तो फिर वो लिख देते, नेट प्रॉफिट ना गिवन होता फिर हम वो ऊपर लिख देते डेप्रिसिएशन वगैरह कोई। अगर सर नेट प्रॉफिट नहीं लिखते फिर हम इसमें क्या क्या लिखते? फिर जो जो इनकम स्टेटमेंट की चीजें होती हैं, रिपेयर का इफेक्ट, डेप्रिसिएशन का इफेक्ट, जो जो चीजें होगी। नेट प्रॉफिट सर हम पहली बार लिख रहे हैं। नेट प्रॉफिट तो होता ही एसओसीआई का है ना, क्वेश्चन के अंदर पहले जितने सवाल किए होंगे उसमें नेट प्रॉफिट होगा भी तो नहीं ना। ठीक है सर। ओके की बात जनाब। चलें जी, अब आ जाते हैं अपने कैश फ्लो के क्वेश्चन के ऊपर। अच्छा, आपने सवाल ना यही, ये सारी वर्किंग भी है, ये सारी एक साइड पर सवाल है और ये वर्किंग है, ठीक है। इसका सलूशन मैं आपको सेंड कर दूंगा, बल्कि जो आपको दिए हैं शायद उसमें सलूशन नहीं है, तो मैं इसके सलूशन आपको सेंड कर दूंगा आज ही, ठीक है। आपने थोड़ा फॉर्मेटिंग में फर्क होगा, क्योंकि कभी आई कैप डबल कॉलम फॉर्मेट करता है, कभी स्ट्रेट कॉलम एक कॉलम करता है, तो परेशानी हो ना उसमें।